गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आपको इस लेक्चर में सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ बिल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने म्यूचुअल एकोमोडेशन का एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, 1 जनवरी 2001 ए जो है बिल ड्रॉ करेगा 3 मंथ का बिल 6000 बी के ऊपर। बी एक्सेप्ट कर लेगा फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। इसका मतलब अगर आप देखो तो यहाँ ए है और ये बी है। ये हो गया ड्रॉयर, ये हो गया ड्रॉई। ए बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर, बिल है 6000। उसके बाद बी उसको दे दिया वापस, ए यहां डिस्काउंट करा लिया 5400 में, 40% पैसा भेज दिया, मतलब रेशियो है 60-40। तो ए बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, 40% पैसा भेज दिया। तो एक घर में 3 एंट्री बिल ड्रॉ करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, 40% पैसा 6000 का, 40% 2400 पैसा इसके पास चला गया 6000 में से, आ इसके पास रह गया 3600। ड्यू डेट पर ए अब उसको बैलेंस 3600 भेजेगा तो वो बिल को ऑनर करेगा। यहां देखिए 1 अप्रैल के दिन अब बी ड्रॉ कर रहा है ए के ऊपर 2 मंथ का बिल 9000 का। क्यों ड्रॉ कर रहा है? टू प्रोवाइड मनी टू ऑनर द फर्स्ट बिल। इसका मतलब हुआ फर्स्ट बिल का जो 6000 था उसमें से 2400 दे दिए, जो 3600 देना था वो नहीं दे रहा है। तो अब ये बिल ड्रॉ करेगा, ये बिल ड्रॉ करेगा 9000 का, डिस्काउंट कराएगा, फर्स्ट बिल ऑनर करेगा और फिर इधर से इसको ये पैसा भेजेगा इसका 60%, 5400 भेजेगा। लेकिन याद रहे जो 3600 नहीं मिला उसको वो माइनस करेगा तो 1800 भेजेगा, और साथ में तो डिस्काउंट का भी बात होगा। तो यहाँ डिस्काउंट कराया था 8100 में। देखिए 9000 का वो बिल ड्रॉ किया ऑनर द फर्स्ट बिल, बी गेट द बिल डिस्काउंटेड फॉर 8100। ओके, बिल ऑनर हो गया, 60% प्रोसीड। यहां देखिए वर्ड है आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट बिल। तो 9000 का जो बिल था, 9000 का बिल में ए को 60% 5400 मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो फर्स्ट बिल जो 6000 का था उसमें से 2400 भेजे थे, 3600 आपके पास था, तो ये 3600 उसको देना चाहिए था। तो ये 3600 एडजस्टिंग करने का, वही बोला आफ्टर एडजस्टिंग, 1800 भेजेंगे और डिस्काउंट काट लेंगे 540, तो पैसा भेजेंगे 1260, क्योंकि डिस्काउंट लग रहा है 900 रुपया, 9000 और 8100, तो 900 का 60% डिस्काउंट 540। ओके, अब लिख रहा है कि 1 मई के दिन ए इंसॉल्वेंट हो गया, उसके प्रॉपर्टी से 20% मिला, बाद बाकी बैड डेट। ओके, तो जब सेकेंड बिल का ड्यू डेट आया उस समय ए इंसॉल्वेंट हो गया, ए इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बिल डिजोनर हो जाएगा और उसका प्रॉपर्टी से मात्र 20% मनी मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, पहला बिल 6000 का है जिसमें से इसको हम लोग 40% 2400 दिए हैं, 3600 मेरे पास है। तो जब बिल बी ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट कराएगा, जब उधर से वो हमको 60% भेजेगा तो वो 3600 काटेगा, वही बात लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग। चलिए इसको बना के देखते हैं। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ ए। सबसे पहले 1 जनवरी के दिन ए बिल ड्रॉ करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो एक बिल ड्रॉ किया गया 6000 का, तो 6000 का बिल ड्रॉ कर दिए, बिल्स रिसीवेबल टू बी बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। अब इस बिल को हम डिस्काउंट करा लेंगे 5400 में, कोई डेट नहीं है, सेम डेट देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट,
5400, डिस्काउंट ऑन बिल 600 हो गया, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 600, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल दे दिए 6000 का, बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, तो हम बिल ड्रॉ कर लिए, डिस्काउंट करा लिए 40%। इसका 40% 2400 रुपया होता है जो हम लोग बी को भेज देंगे, बी अकाउंट डेबिट 40% 2400। तो जब पैसा भेजेंगे तो साथ में डिस्काउंट को भी ट्रांसफर करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंट का 40% 240, तो 2160। बिंग 40% अमाउंट रेमिटेड टू बी। ओके, तो यहां तीन एंट्री हुआ, पहले हम लोग बिल ड्रॉ कर लिए, उसको डिस्काउंट करा लिए, 6000 का बिल है, 40% पैसा 2400 उसके पास है दे दिए, तो इसका मतलब 3600 60% मेरे पास है। अब इसी चीज को बी में देखिए थोड़ा सा, अगर बी के तरफ से देखिएगा तो बी एक बिल एक्सेप्ट किया इन फेवर ऑफ ए, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये बिल है आपका 6000 का। बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ, तो हम लोग एक बिल एक्सेप्ट कर लिए इन फेवर ऑफ ए, ए बिल को ले लिया, डिस्काउंट करा लिया, ए उधर से 40% पैसा विथ डिस्काउंट हमारे पास सेंड किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू ए अकाउंट 40% 2400, डिस्काउंट भेजा है कॉस्ट 240, 2160, बीइंग 40% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए। ओके, तो 40% पैसा अभी दे दिया, 60% पैसा उसको ड्यू डेट में देना है, लेकिन वो 60% दे नहीं रहा है, तो 1 अप्रैल के दिन हम लोग एक बिल ड्रॉ कर दिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, हम लोग बिल ड्रॉ किए हैं 9000। अब बिल ड्रॉ करने के पीछे लॉजिक है, उधर से 3600 आना था वो आया नहीं, फर्स्ट बिल को ऑनर भी करना पड़ेगा, बिंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ, हम लोग जो बिल ड्रॉ किए 9000 का, इसको हम लोग डिस्काउंट करा के पहला बिल ऑनर कर देंगे, तो हम लोग इसको डिस्काउंट करा लेते हैं, 8100 बोला हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 9000 का है, डिस्काउंट कराए हैं 8100, तो डिस्काउंट ऑन बिल 900, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब डिस्काउंट करा लिए तो अपने पास पैसा अवेलेबल हो गया, तो वो जो पहला बिल 6000 का था जिसमें से हमको 2400 मिला है, 3600 मिलने वाला था, तो वो पैसा 3600 तो मिला नहीं, उसीलिए बिल ड्रॉ करके डिस्काउंट करा लिए, पैसा आ गया है, तब इससे हम लोग पहला बिल ऑनर कर देते हैं। 4 अप्रैल के दिन फर्स्ट बिल जो है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 6000 का जो बिल था उसको हम लोग ऑनर कर दिए, बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट।
अब हम लोग ये जो बिल है 9,000 का, 40% मेरा रेशियो है तो 60% ए का रेशियो है, तो 9,000 का 60% 5,400 मनी उसको भेज देना चाहिए, ए को हम लोग पैसा भेज देना चाहिए। कितना भेजना चाहिए? तो 5,400, याद रहे 3,600 वो एडजस्ट करना था फर्स्ट बिल का जो पैसा नहीं आया था, तो उसको हम लोग भेजेंगे 1,800। टू बैंक, टू डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट चार्ज लगा है 900, उसका 60% उसको डिस्काउंट देने बियर करना होगा, 540, तो 1260। बिंग, 60% अमाउंट रेमिटेड आफ्टर एडजस्टिंग ₹3,600, वो 3,600 जो उधर से आने वाला था। तो अगर आप देखो तो हम लोग एक बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए, पहला बिल ऑनर कर दिए, और इस बिल में 5,400 उसका हिस्सा बनता है, 3,600 काट के 1,800 को भेज दिए। ये ट्रांजेक्शन अब हम लोग बी की तरफ से निकल के ए की तरफ सोचेंगे। ए में अभी तक किए क्या थे, 6,000 का बिल ड्रॉ किए थे, डिस्काउंट कराए थे, 40% पैसा भेजे थे, 40% मनी भेज दिए थे, 60% 3,600 देना था, दे नहीं पाए। तो हम लोग 1 अप्रैल के दिन एक बिल एक्सेप्ट कर लिए, बी हम पे ड्रॉ कर दिया, हम एक्सेप्ट कर लिए, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ओके। ये बिल है 9,000 का। बिंग, बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। अब वो बिल बी को मिल गया, बी डिस्काउंट कराया, पहला बिल ऑनर कर दिया, उधर से 60% पैसा मेरे को भेजेगा, लेकिन मेरा 3,600 रुपया जो देना था काट के भेजेगा, हमको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में कॉस्ट मिलेगा डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। उधर हमको 5,400 मेरा राइट बनता है, 3,600 मेरा देना था, काट लीजिए 1,800 दीजिए। डिस्काउंट था आपका 900 का 60% डिस्काउंट 540, तो 1260। बिंग, 60% अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ₹3,600, ओके। अब ये जो सेकेंड बिल है जिसको हमने 9,000 का एक्सेप्ट किया है, इसका ड्यू डेट आने के पहले हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं 1 मई के दिन, तो हम उसको पैसा नहीं दे पाएंगे, तो 1 मई के दिन ये बिल डिजोनर हो जाएगा। तो बिल डिजोनर होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये बिल है 9,000 का। बिंग, बिल डिजोनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो हम तो ए हैं, हम बिल डिजोनर करा दिए, तो बी में देखिएगा, ये रहा बी, बी ये बिल ड्रॉ किया था 9,000 का और वो डिस्काउंट कराया था, तो जब बिल डिजनर हो जाएगा तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो 1 मई के दिन ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक को 9,000 बिल डिजनर का पैसा पे करना पड़ेगा। बिंग, डिस्काउंटेड बिल डिजनर। अब हम लोग ए से क्लेम करेंगे पैसा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 60% देगा, एक बार आप देख लो। ऑन द ड्यू डेट फर्स्ट बिल ऑनर हुआ, 60% पैसा एडजस्ट करने के बाद भेज दिए, यहां देखिए ए इंसॉल्वेंट हो गया, बी उसके जमीन से 20% पैसा पाएगा, है। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, पूरा सवाल देख लो। ए ड्रॉ किया है 6,000 का बिल, डिस्काउंट करा लिया, उसको 40% दे दिया,
एक अप्रैल के दिन देखिए बी ड्रॉ किया 9,000 का, उसको डिस्काउंट करा के पहला बिल ऑनर कर दिया, फिर 60% पैसा उसको भेजेगा आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंटिंग। ए इंसॉल्वेंट हो गया बिल डिजोनर, उसका प्रॉपर्टी से 20% पैसा मिलने वाला है। तो हम लोग बी के घर में एक अकाउंट ट्राई करते हैं, ये देखिए ये बी है, बी के घर में एक अकाउंट ट्राई करते हैं, ए अकाउंट, पता तो लगे कितना पैसा बाकी है। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 6,000। अच्छा ये दूसरा एंट्री देखिएगे, ये वाला बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू ए, तो ये बाई में आ जाएगा, दोनों मिला के होगा आपका 2,400। क्लियर, पहला एंट्री 6,002 में, दूसरा बाई में। तीसरा एंट्री देखिए बिल्स रिसीवेबल टू ए, तो बाई बिल्स रिसीवेबल 9,000, उसको डिस्काउंट कराया, फर्स्ट बिल चुकाया, उसके बाद देखिए 1,800 भेज दिया टू 1,800। और ये लास्ट देखिए डिजोनर हो गया ए टू बैंक टू 9,000। ठीक है, तो ये हुआ इनका पोस्टिंग। इधर देखते हैं तो ये होता है 9,615,16,800, यहां से 16,800 से माइनस हो जाएगा 2,400 और 9,000, 5,400। ये आया 20% मिलेगा, 80% बैड डेट। अगर इसको आप इन शॉर्ट समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं, ए बी पहला बिल 6,000 का था, इसको 2,400 दिए, इसको 3,600 दिए। सेकेंड बिल 9,000 का था, इस 9,000 में इसके पास 40%, 3,600 रहा, और इसके बाद 60%, 5,400 गया। इस बिल का हिसाब हो चुका है, काम खत्म हो गया, इस बिल में डिजोनर का बात हो गया। इस बिल का बेनिफिट ए पाया है 5,400, और ए इंसॉल्वेंट हो गया, तो 5,400 मनी फंसा रह गया, जो देखिए यहाँ 5,400 आया। अब हमको 5,400 के अगेंस्ट में 20% पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 20% 1,080, बाद बाकी नहीं मिलेगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट बींग फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, ये एंट्री ए में भी कर देते हैं। ए बी को पैसा देगा, बी अकाउंट डेबिट 5,400 टू बैंक अकाउंट 20% देगा 1,080, बाद बाकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, डिफिशियंसी 4,320 बींग फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर। ओके, अगर हम पूरे सवाल का एंट्री ए में देखें तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, ए का घर में देखो, पहले ए बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, 40% पैसा दे दिया 2,400, फिर उधर से बिल ड्रॉ हुआ तो हम एक्सेप्ट किए, उधर से हमको 60% पैसा मिलना चाहिए, मेरा 60% पैसा पहला वाला काट के मिल गया। हम इंसॉल्वेंट हो गया, बिल डिजनर हो गया, तो हिसाब करके उसको 20% दिए, 80% डिफिशियंसी। बी की तरफ से अगर सोचो तो बी में पहले बिल एक्सेप्ट किया गया, उधर से 40% मनी आया, अब बी फिर से बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, पहला बिल ऑनर करके 60% पैसा देना था, उधर से जो 60% 3,600 नहीं आया था उसको एडजस्ट कर दिया। बिल डिजोनर हो गया, हमको ए टू बैंक करना पड़ा, हिसाब किए, वहां से 20% मिला, 80% बैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।